तिरुपति लड्डू विवाद के बीच भक्ति में डूबी माधवी लता। ट्रेन में गाए कृष्ण के भजन, भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीजेपी नेता माधवी लता इस वक्त पूरी तरह भक्ति में डूब चुकी हैं, कृष्ण के भजन गा रही हैं और ट्रेन से तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। दरअसल हाल ही में तिरुपति लड्डू विवाद के बीच बीजेपी नेता माधवी लता वंदे भारत ट्रेन से तिरुपति के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान माधवी लता पूरी तरह भक्ति में डूबी नजर आई। बीजेपी नेता माधवी लता ने ट्रेन में भगवान कृष्ण के भजन गाए, अन्य यात्री भी उनके साथ शामिल रहे। यहाँ आपको बता दें कि तिरुपति का तिरुमाला मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ लाखों भक्त भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। फिलहाल माधवी लता का ये रूप अचानक से क्यों देखने को मिला वो आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि आखिर लड्डू विवाद क्या है और कैसे सामने आया लड्डू विवाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में दावा किया कि पिछली YSRCP सरकार ने तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी मिश्रित घी का इस्तेमाल किया। बाद में नायडू ने दावों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल की घोषणा की, जिसके बाद पुजारियों ने मंदिर और प्रसाद को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान किया। मंदिर के अधिकारियों ने कहा कि लड्डू प्रसाद की पवित्रता बहाल कर दी गई है, लेकिन इस विवाद के बाद अब तक लगातार राजनीति जारी है और खासकर बीजेपी पिछली YSRCP सरकार पर हमला बोल रही है और बीजेपी नेता माधवी लता भी उसमें पीछे नहीं रही। हालांकि उन्होंने तिरुपति की तीर्थ यात्रा के दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति से सनातन धर्म का अपमान करते आए, हिंदुओं का अपमान करते रहे। अब तो हमारा ये क्षमा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारा इस प्रायश्चित को स्वीकार कीजिए और उग्र नरसिंह अवतार बनकर इस धरती माता का बोझ उठाने, हमारे हर सनातन मंदिर को हाथ लगाने वाले गलत सोच विचार का खत्म कर दीजिए, मार डालिए उस सोच विचार को और उन सारे लोग जो पवित्र सोच से आते हैं उनको रोक दीजिए, आने मत देना। और हर वो सनातनी हिंदू जो धर्म के प्रतिष्ठापन के लिए, न्याय के लिए इस भारत वंश को, भारत को आगे लेके जाना चाह रही, उनके साथ रहिए, उनके हिम्मत दीजिए। जय बोलो गोविंदा गोविंदा। तो सुना आपने माधवी लता ने क्या कुछ कहा और माधवी लता कैसे बताने की कोशिश कर रही हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो प्रयास कर रही हैं। फिलहाल उनकी ये बातें जनता को कितना आकर्षित कर पाती हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि वो एक नेता हैं और हर नेता किसी भी विवाद पर राजनीतिक लाभ ले लेना चाहता है और इस लाभ को आखिर माधवी लता कैसे छोड़ सकती थी, जिसके बाद उनकी ये तस्वीर आनी तय मानी जा रही थी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा, खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।